देखिए, राहुल जी का जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत तपस्वी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे ही कोई पद की ही लालसा कोई हो सकती है। हाँ, अगर देश को उनकी ज़रूरत है, और इतना तो पक्का है कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आ रही है, तो कुदरती तौर पे जो सबसे बड़ा दल होता है तो उसका नेता ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापसी के बाद एक बड़ा कदम राहुल गांधी को उठाना बहुत जरूरी है और वो कदम होगा चुनाव में उतरने का, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को 6 महीने का समय दिया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि राहुल गांधी अभी यहाँ पर पूरी तरह से चुनाव से हटते हुए नजर नहीं आएंगे, उनके पास समय है, वो अपनी संसद सदस्यता वापस पा सकते हैं, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति में तमाम लोग जुटे हुए थे। कांग्रेस खुद यहाँ पर असमंजस में थी कि क्या वाकई यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव में उतर पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सच साबित हो गया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी उतरेंगे और चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देते हुए भी नजर आएंगे। क्या कुछ यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल जी ने आज ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में भी और रिलीजन के अंदर भी, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी पंथ के अंदर और राजनीति में भी सबसे बड़े तपस्वी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी। तो जननायक कहा जा रहा है, जननायक को आप कैसे देखते कि संसद में कैसे दहाड़ेंगे? बिल्कुल वो दहाड़ेंगे। आज वो हर गरीब की, दबे कुचले की, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, मेजोरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर तरह के मुद्दे हैं, और हम समझते हैं कि देश के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये जो सांप्रदायिकता है, इन सबके सबसे अगर कोई उभार सकता है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की नेतृत्व में उनकी तपस्या से देश लगता है कि प्रधानमंत्री बना लेंगे राहुल गांधी। देखिए, राहुल जी का जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत तपस्वी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे ही कोई पद की ही लालसा कोई हो सकती है। हाँ, अगर देश को उनकी ज़रूरत है, और इतना तो पक्का है कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आ रही है, तो कुदरती तौर पे जो सबसे बड़ा दल होता है तो उसका नेता ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी से? लगातार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी अभी भी जो है खुश नजर नहीं आ रही, कोई भी नेता का यहाँ पर कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं, कैसे देखते हैं आप इस जीत? बीजेपी का नाम हम लेते ही नहीं है जी। हम सोचते हैं उसको भाग जाना चाहिए यहाँ से, नहीं तो हम भगा देंगे उसको, अभी छोड़ेंगे नहीं। अब संसद में राहुल गांधी कैसे जो है वर्तु नजर आएंगे? उनका क्या मुकाबला है? राहुल गांधी है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। बस देखो, अभी 24 में क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा है, करवाए ना आज। बीजेपी में हिम्मत है तो आए बाहर, करें मुकाबला राहुल से। भागते हैं सारे चोर हैं, तो ड्रामे करते हैं, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे जहाँ से। हम अपने जीवन के श्रीमंत उनको भगा ही देंगे ना। इस खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया, किस किस से मिले हैं अभी आप? अरे हम तो बस हम यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी, हम जम्मू से हैं, तो आज हमने कोई 22 बंदे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिसमें हमारे कोई एक्स मिनिस्टर हैं, कोई DDC मेंबर हैं, कोई BDC मेंबर हैं, काफ़ी हैं, मतलब हमने 22 बंदे हैं सारे JNK में, और उनका ठीक ठाक होल्ड भी है। आम आदमी पार्टी के हैं कुछ, BJP के हैं, छोड़ दिए वो पार्टियाँ हमने, अब एक ही पार्टी रखी कांग्रेस पार्टी। तो सिंगल ये जीत का जश्न है और ये कहीं ना कहीं बताता है कि राहुल गांधी वही नेता है जिसने भारत जोड़ो यात्रा से ये बता दिया था कि कोई भी नेता अपनी AC कूलर की गाड़ी को छोड़कर जमीनी स्तर पर मेहनत कर सकता है। यहाँ पर BJP को चोर भी बोलते हुए लोग नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि सच क्या होता है, जब 33 सेकेंड राहुल गांधी बोलते हैं तो यही बात कहते नजर आए थे कि ये सत्य की जीत है। अभिषेक मनु सिंघवी का आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था वो भी आप सुनते नजर आए थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को आप, राहुल गांधी फिर से आपको जो है संसद में नजर आएंगे? सर, ये किसानों के नेता की जीत है। जो निचली अदालत ने सजा सुनाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ये सच्चाई की जीत है। सच्चाई एक दिन लोगों के सामने आती है और BJP के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। किसानों का नेता अब की बार जनता के सामने, भाजपा का कहना तो ये तो सच है नहीं, ये तो पता लग जाएगा ना क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई है तो उन्होंने, जज साहब ने कुछ कागज चेक करके ही लगाई है ना, तो ये तो जीत है किसानों की। उन्होंने तो वहाँ तो सजा सुनाई थी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सतीश फरमाना और मैं हरियाणा से आया हुआ हूँ। हरियाणा से कब आए आप? मैं हरियाणा से भी आया हूँ जस्ट। तो अभी आप हरियाणा से पता चला तो तुरंत आप निकले? हम तुरंत निकल लिए। अब क्या आगे की प्लानिंग है, कैसे आप राहुल गांधी को देखते हैं नेतृत्व? आगे की प्लानिंग ये है
ये किसानों का नेता है और देश हित के लिए देश का भविष्य है राहुल गांधी जी हैं। युवाओं ने किसानों ने राहुल जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इस देश का किसान ने और मजदूर का अगर कोई भला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आप बार बार किसानों को जिक्र कर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये कहती है किसानों की मसीहा अगर कोई है तो भाजपा पार्टी है। नहीं, धरातल पे जाके देखो इस देश का किसान कितना परेशान है। इस देश के किसान के साथ जो बीत रही हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी का राज आने के बाद हर चीज़ महंगी हुई है, खाद बीज दवाइयाँ, और किसानों को फसलों का भी रेट नहीं मिल पा रहा, तो किसान तो बहुत परेशान है। और कृषि प्रधान देश में जब इस देश का किसान परेशान है तो इस देश की बिल्कुल आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो चुकी है। इसका अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी। आर्थिक स्थिति कम हो चुकी है, बीजेपी कह रही है कि जो है आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तीसरे टर्म में। बीजेपी का जो कहना है वो बिल्कुल झूठ है। बीते दिनों कांग्रेस सरकार ने देश पर जो राज किया उस समय तक देश पर 50 लाख करोड़ के लगभग कर्ज था और अब भारत देश पर 150 लाख करोड़ के लगभग कर्ज बढ़ चुका। 10 साल के अंदर इतना कर्जा जो बढ़ा है वो पैसा कहाँ गया? बीजेपी सरकार कुछ गिने चुने लोगों की सरकार है, उद्योगपतियों को प्रॉफिट पहुँचाने का काम कर रही है। ये किसानों के की सरकार नहीं है, ये युवाओं की सरकार नहीं है, महिलाओं का मान सम्मान नहीं सरकार में। तो क्या आप प्रधानमंत्री बना लेंगे राहुल गांधी को? हाँ, ये क्लियर है, राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री हैं और ये युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि लड़ाइयाँ होंगी क्योंकि गठबंधन हो गया है? केजरीवाल कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बना दो, नीतीश कुमार आगे रहेंगे, तमाम लोग हैं वो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो हमें बनना है। प्रधानमंत्री की रेस में आप राहुल गांधी को आगे रख रहे हैं, लड़ाई को कैसे बचाएंगे? देखो, जो एक गठबंधन हो रहा है सभी दलों का, ये सब बैठकर बातचीत के द्वारा सब सुलझाया जा सकता है। कोई भी मुद्दा हो उसको हम बातों से ही सुलझा सकते हैं और आने वाला समय सभी को लग रहा है अगर कोई नेतृत्व कर सकता तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी से देश को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और वे इस देश के किसान और युवाओं के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गठबंधन टूट गया तो क्योंकि भारत ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2024 की सरकार कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और इसमें जीत कांग्रेस की निश्चित है। बीजेपी वालों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस की जीत निश्चित है। कांग्रेस की जीत निश्चित है ये बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कांग्रेस की जीत होगी कैसे? गठबंधन यहाँ पर बना लिया गया है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है लेना चाहेंगे कि कैसे देखते सर इस जीत को? आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, ऐसा दिन अभी इस टाइम सोचने को नहीं मिला था। बहुत पूरा देश चिंताओं से डूबा हुआ था, पूरे देश को महसूस हो रहा था कि शायद मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र नहीं बचेगा और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उस सिवाय देश को लूटने के कोई धर्म उनका नहीं रहा। और कांग्रेस ऐतिहासिक दल है और राहुल गांधी ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसने देश की आज़ादी, एकता, अखंडता को और देश के भविष्य को, देश की महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, दलितों को, माइनॉरिटी को, सरकारी कर्मचारी को सर्वप्रिय रखा है। राहुल गांधी एक प्यारी सी आवाज़ है, प्यारी सी आवाज़ है और ये आवाज़ जो है देखा गया भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी किस तरीके से बात की है। प्रधानमंत्री बनने पर अटकलें थीं, अब लगता है कि प्रधानमंत्री बना लेंगे आप? राहुल गांधी हमारे देश का भविष्य है, बात प्रधानमंत्री की नहीं है, वो युवाओं में छा गए, युवाओं में छा गए, वो दलितों में छा गए हैं। जैसे कि राहुल गांधी की जीत का जश्न यहाँ पर देखा जा रहा है, लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है जन नायक है राहुल गांधी, जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जो जनता के मुद्दों को उठाते हुए जनता के हित के लिए काम करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो दावा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप भी राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखते हुए देखना चाहते हैं? क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।